आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हमको फेडरलिज्म टर्म को देखना है कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कुछ फीचर्स, कुछ काइंड्स, और एक फेडरल कंट्री कैसी होती है, और बातों ही बातों में इंडियन फेडरेशन की भी चर्चा करेंगे। तो चलो अपना चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि जो फेडरलिज्म होता है, गवर्नमेंट का वो सिस्टम जहाँ पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और किसी दूसरे बंदे के बीच में डिवाइड होती है, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम। फेडरलिज्म समझ आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं और फेडरलिज्म के फीचर्स जानते हैं। पहला फीचर है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर पावर डिवाइड करने चाहते हो, और पावर क्या, पार्ले जी का बिस्कुट भी डिवाइड करने चाहते हो, तो मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए ना। इसीलिए फेडरलिज्म में भी पावर डिवाइड करने के लिए दो लेवल होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ इक्वल शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, मतलब किसी के पास ज़्यादा पावर हो सकती है और किसी के पास कम, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो बोलता है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, वो जो चाहे वो फैसला सुना सकती है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की बात माननी पड़ती है। जैसे जब कोई बड़ा केस होता है तो वो सेंट्रल कोर्ट में जरूर जाता है, उसको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सजा नहीं दे सकती, और जो लास्ट डिसीजन होता है वो सेंट्रल कोर्ट द्वारा लिया जाता है। और एक बात, जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं उनको कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, उसके लिए सभी गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ता है। और अब तुम ये सोच रहे होंगे कि किसी को ज़्यादा पावर मिल गई और किसी को कम, तो इन लोगों में झगड़ा नहीं होता क्या? हम तो दोस्त के रॉन्ग क्वेश्चन पर दो नंबर फालतू के आ जाएं उसे भी नहीं छोड़ते। यहाँ तो फिर भी पावर की बात है। तो जैसे हमारा ध्यान टीचर लोग रखते हैं, उसी तरह से सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उसका ध्यान जुडिशरी रखती है। और एक लास्ट फीचर जो मैं तुमको जाते जाते बताना चाहता हूँ, वो है इन सभी गवर्नमेंट के रिवेन्यू को बता दिया जाता है कि भाई तुम सब लोगों को इतना इतना मिलने वाला है, तो तुम्हें 10 रुपये मिले और बराबर वाले को 12 रुपये मिले, तो झगड़ा मत करना भाई। आई होप जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उतना तुमको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान।